भारत का चीनी उत्पादन चालू 2021-22 सत्र में 2.18% घटकर 3.05 करोड़ टन रहने का अनुमान है, जिसका मुख्य कारण इथेनॉल उत्पादन के लिए चीनी का उपयोग किया जाना है। भारतीय चीनी मिल संघ इस्मा ने ये जानकारी दी है। देश को 2021-22 सत्र अक्टूबर सितंबर में करीब 60 लाख टन अतिरिक्त चीनी का निर्यात जारी रखना होगा। वर्ष 2020-21 के सत्र में चीनी का उत्पादन 3.11 करोड़ टन का हुआ था। ब्राजील के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश भारत अपने इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम के लिए बड़े पैमाने पर गन्ने का उपयोग कर रहा है। उद्योग निकाय इस्मा ने पहला अनुमान जारी करते हुए कहा है कि 2021-22 सत्र में गन्ने की पेराई कुछ क्षेत्रों में शुरू हो चुकी है और देश के अन्य क्षेत्रों में जल्द ही पेराई शुरू होने की उम्मीद है। इस्मा ने कहा है कि 2021-22 में लगभग 3.05 करोड़ टन चीनी उत्पादन का अनुमान लगाया गया है, जो जुलाई 2021 में जारी किए गए 3.1 करोड़ टन के प्रारंभिक अनुमान से कम है। इस्मा का कहना है कि महाराष्ट्र में चीनी का उत्पादन 1.22 करोड़ टन, उत्तर प्रदेश में 1.13 करोड़ टन और कर्नाटक में 49.5 लाख टन होने का अनुमान है, जिसमें एथेनॉल के लिए चीनी का उपयोग किए जाने को शामिल नहीं किया गया है। देश में ये शीर्ष 3 चीनी उत्पादक राज्य हैं। इस्मा का कहना है कि उसे उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से पूर्वी क्षेत्र में बेमौसम बारिश के कारण उपज में मामूली गिरावट और चीनी से शीरे की प्राप्ति में कमी आने की उम्मीद है। महाराष्ट्र में भी पिछले वर्ष के मुकाबले प्रति हेक्टेयर उपज थोड़ा कम रहने की उम्मीद है। शेष राज्यों से 2021-22 के सत्र में सामूहिक रूप से 53.1 लाख टन चीनी का उत्पादन होने की उम्मीद है। उच्च इथेनॉल उत्पादन क्षमता और निरंतर अधिशेष गन्ना उपलब्धता होने के कारण 2021-22 सत्र में गन्ने के रस या सीरप और बी शीरा की एक बड़ी मात्रा का उपयोग इथेनॉल उत्पादन में किया जाएगा। इस्मा द्वारा जारी प्रारंभिक अनुमानों के समान ही यह अनुमान लगाया गया है कि इथेनॉल बनाने के लिए गन्ने के रस एवं बी शीरा के हस्तांतरण से 2021-22 के सत्र में चीनी उत्पादन में लगभग 34 लाख टन की कमी आएगी। हालांकि वर्ष 2021-22 के लिए इथेनॉल की निविदा को अंतिम रूप दिए जाने के बाद गन्ने के हस्तांतरण की बेहतर तस्वीर का पता लगाया जा सकता है। एसोसिएशन ने कहा है कि मिलों ने पहले ही इथेनॉल आपूर्ति के लिए बोलियां जमा कर दी हैं। इस्मा ने कहा है कि 1 अक्टूबर तक देश में 82.2 लाख टन चीनी का शुरुआती स्टॉक है, जो एक साल पहले की अवधि की तुलना में 25 लाख टन कम है, लेकिन यह अभी भी चालू सत्र के शुरुआती महीनों के लिए घरेलू आवश्यकता से अधिक है। इस्मा जनवरी 2022 में गन्ने और चीनी उत्पादन अनुमानों की फिर से समीक्षा करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।